और ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? कोई सवाल है किसी का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा प्लीज। ऑल राइट, मैं आगे चल रहा हूँ जी। अब डूडल्स हिडन ऑक्सिलरी वर्ब से कब सामने आएंगे? जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बने, अदरवाइज सामने एक पोजीशन और क्या बताई मैंने आपको, जब एम्फसाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा जी। फिदा माइक ऑन कीजिएगा, यमुना माइक ऑन रखे, रजा मलिक माइक ऑन रखे जी। अब डेली रूटीन क्या है? मैं उठता हूँ, आई गेट अप। ये अमल आप रोजाना दोहराते हैं? जिस दिन नहीं उठे उस दिन उसका मतलब अल्लाह मंडी, ठीक है? अल्लाह मंडी बेटा ये खास जगह है जी। मैं उठता हूँ, इस हरकत को मैं दोहराता हूँ, आई गेट अप, मैं उठता हूँ। अब उठना और जागने में फर्क है, उठने में और जागने में फर्क है। जागना आंखें खुलना, आंखें खुल गई जाग गया। उठ के बैठना, उठना, गेट अप। मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ। डूडल्स नहीं आया, डूडल्स नहीं आया, मैं कहता हूँ मैं नहीं उठता, आई डोंट गेट अप। जब डूडल्स कब आएगा? जब हम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे। मैं नहीं उठता, आई डोंट गेट अप, मैं नहीं उठता, आई डोंट गेट अप, मैं नहीं उठता। याद रहे, जब कभी किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है पूरी इंग्लिश में, जब कभी किसी भी जुमले को सवालिया बनाना हो, तो अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या मैं उठता हूँ? डू आई गेट अप। क्या मैं उठता हूँ? क्या मैं उठता हूँ? डू आई गेट अप। क्या मैं उठता हूँ? क्या मैं उठता हूँ? क्या मैं नहीं उठता? क्या मैं नहीं उठता? डोंट आई गेट अप। क्या मैं नहीं उठता? डोंट आई गेट अप। क्या मैं नहीं उठता? क्या मैं नहीं उठता? थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो कुरान पढ़ती है, शी रिसाइड्स एस क्यू आई, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। थर्ड पर्सन क्या? मैं फर्स्ट पर्सन, साथ मेरे सामने बैठे मैं उनको बता रहा हूँ, माशाल्लाह यार वो कुरान पढ़ती है। मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, किसकी बात हो रही है? थर्ड की हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की हो रही है। अगर मैं कहूँ वो कुरान पढ़ते हैं ज्यादा है, तो फिर दे रिसाइड, फिर ई एस एस का इजाफा नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड थिंग सिंगुलर होगी, या इसमें से कोई होगा, ही शीट एनी नेम में से कोई होगा, तो हम ई एस टी एस का इजाफा करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी पॉजिटिव जुमले में, ठीक है? जैसे ही डज आएगा सेंटेंस को बनाने के, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे ही डज आएगा तो क्या होगा, ई एस और एस को हम रिमूव करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई जी? क्या वो कुरान पढ़ती है? डज शी रिसाइट द होली कुरान? क्या वो कुरान पढ़ती है? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या वो कुरान पढ़ती है?